हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सपेंड एजुकेशन। देखो अभी अभी जल्दी से मैं आपको एसटेट के आंसर की है वो सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। आंसर की अभी के सिर्फ निशान बताऊंगी आपको, सॉरी आंसर बताऊंगी तो आप नोट कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि किसके इतने मार्क्स बने, ठीक है। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड करवा रही हूँ मैं, जीके अवेयरनेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 61 हमारे पास ये दे रखा था, एल एक्स एफ एम टी जे एन पी एन और ओ एल आर, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, पी एच बी। पी एच बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दे रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी नए बच्चे आएंगे, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दे रखा था, ये हमारे पास डायरेक्शन होती है, ठीक है, इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ए बी से 40 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में, इनके साउथ वेस्ट में है, यहाँ पे है, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है। फिर उसने बोला कि 40 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सा आएगा, ये, ठीक है। तो ए से सी बताना था कि ए से सी है वो आपका किस डायरेक्शन में है, तो आपका किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आपसे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ईस्ट आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास रखा था, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 150 कैंडिडेट्स वाज 35, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट वाज 39 और फेल कैंडिडेट कितने रखे थे 15, तो हमें क्या निकालने थे, पास निकालने थे, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 125। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, 125 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रखा था 64 क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या रखे थे, देखो 64 क्वेश्चन में आपके पास दे रखा था a की पावर x इज इक्वल टू बी, b की पावर y इज इक्वल टू c और c की पावर z इज इक्वल टू a। तो आपको x y z बताना था, तो आपका x y z क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 15 और 18 से जो एग्जैक्ट डिवाइड होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखा था, वैल्यू बतानी थी आपको, वैल्यू आपको बतानी थी रूट फाइव की पावर माइनस का 5/2 इंटू में आपके पास देखा था रूट फाइव की पावर माइनस का 3/2, ठीक है। बेस सेम है, पावर एड हो जाएंगी, तो यहाँ से हमारे पास इसका जो आंसर है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/25, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखा था, ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 15 ईयर्स, 15 साल में वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो आपको बताना था कि वो 8 साल में, 8 में कितने टाइम्स हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका 60 ईयर्स आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 60 ईयर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 68, 25 मैन है क्रॉप को करते हैं 60 दिन में, तो आपके पास आपको बताना है कि 10 मैन है ना वो कितने दिन में इस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। 10 मैन बताने हैं, यहाँ पे आपको डेज बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट m1d1 = m2d2 ये फॉर्मूला लगाना था, यहाँ से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 150 डेज आ जाएगा, ठीक है, 150 डेज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था क्वेश्चन नंबर 69, इसमें आपके पास दे रखा था x + 1/x = 5, तो आपको x³ + 1/x³ की वैल्यू बतानी थी कि क्या आएगी, तो आपका इसका जो आंसर हो क्या हो जाएगा, 110 आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं यहाँ पे, सिर्फ a + b का क्यूब की क्या लगानी थी, आइडेंटिटी लगानी थी, तो 110 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रखा था 786 है उसका मतलब था आपके पास स्टडी वेरी हार्ड, 958 का मतलब था हार्ड वर्क स्पेस और 645 का मतलब था स्टडी एंड हार्ड, तो इसका स्टडी एंड वर्क, तो इसमें पूछा था कि वेरी जो है ना, वेरी का कोड आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, 7 आपका क्या आ जाएगा, वेरी का कोड आ जाएगा, ठीक है, वेरी का कोड पूछा हुआ था कि वेरी का कोड इसके अंदर क्या आएगा, 7, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा था आपको, इस सीरीज दे रखी थी इस तरीके से 8 + 2 + 8 + 2 + 8 up to 16 इस तरीके से, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसका जो आपका आंसर नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन इसकी आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास दे रखा था कि ईच साइड है ना स्क्वायर की वो 50% बढ़ा दी, तो परसेंट एरिया के अंदर कितना इंक्रीज आएगा। तो अगर हम इसकी जो साइड है ना आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर होता है साइड का, ठीक है, वो कितनी बढ़ाई है 50% बढ़ाई है, तो 50% बढ़ाई है तो क्या आ जाएगा भाई 5/4 गुणा में 100, ये आ जाएगा 25 और 25 × 5 = 125, तो 125% आपके पास क्या आ जाएगा जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 125% आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा था क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखो आपके पास क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 73 ये दे रखा था 15 - 5/5 / 20 और प्लस में 10, ठीक है, ये सोल्व करके आपको बताना था कि इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये दे रखा है इन्होंने कि माइनस को हम क्या लिखेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 15 × 5 प्लस में 5 - 20 और डिवाइडेड बाय 10, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 78 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 78 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, बाय सेलिंग ए कमोडिटी फॉर 72,000 ए पर्सन मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो कॉस्ट प्राइस बताना था, तो जो कॉस्ट प्राइस है सीपी वो हमारे पास क्या आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गया 60,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आपके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, देखो सीरीज का आपको रॉन्ग सीरीज बतानी थी कि रॉन्ग सीरीज आपके पास क्या आएगी, आपके पास दे रखा था 8, 13, 21, 32, 47, 63 और 83, ठीक है, रॉन्ग सीरीज इसमें से क्या है 47 है, तो आपका 47 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग सीरीज बतानी थी इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 74 की एक सॉलिड क्यूब है उसको कलर्ड कर दिया उसके सारे फेसेस को और उसके 64 स्मॉल क्यूब बना दिए, तो हमें क्या बताना था उसका हाउ मेनी क्यूब्स, जो ऐसे कितने क्यूब होंगे कि जिनके एक भी फेस के ऊपर कलर्ड नहीं है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका क्या हो जाएगा ट्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सीरीज का देर खत्म हमारे पास क्या 2, 7, 24, 77, 2, 38 ये देर खत्म हमारे पास, हमें क्या बतानी थी इसकी नेक्स्ट सीरीज बतानी थी, तो नेक्स्ट सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी 723 आ जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी 723, ये मल्टीप्लाई करके कर रखा था, ठीक है, तो 723 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा था, उसका आपका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा जिज्जा, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ये आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आपके पास फिर क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 79, ये चार ग्रुप दे रखे हैं लेटर्स के और इनमें से आपको ओड बताना है कि इनमें से आपके पास जो ओड है वो कौन सा होगा, चार ग्रुप आपके पास दे रखे थे एस टी यू ए उसके बाद आर क्यू पी ए उसके बाद दे रखा था एम एल के ए और फिर दे रखा था एच जी एफ ए, ठीक है, तो इनमें से ओड कौन सा हो जाएगा एस टी यू ए, उस जो फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस इन द सेम वे एज व्हील इज रिलेटेड टू क्या होता है थुर्री, थुर्री बोलते हैं उसको, यानी कि हब, हब से रिलेटेड हो जाएगा व्हील, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अब इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये आपकी रीजनिंग जो है कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपकी इंग्लिश और हिंदी है वो करवाऊंगी, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने आप लोगों के जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो ठीक हुए हैं। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।